नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर के प्रमुख खबरों की तरफ। नथुखेड़ी के रहवासी पिछले दो दिनों से हो रहे हैं पंप ऑपरेटर की मनमानी के चलते पानी के लिए परेशान। हालांकि नगरपालिका ने अपना फर्ज अदा करते हुए आज पानी का टैंकर भेज दिया था। बता दें कि नथुखेड़ी में एक नया पंप ऑपरेटर पीएचई विभाग ने रखा है, जिसने अपना मनमानीपूर्ण रवैया ऐसा बना रखा है कि जब उसका मन होता है तब वे आता है, जब मन न होता है चला जाता है। ऐसा ही एक वाक्या सामने आया दो दिवस पूर्व, जब रात को कुछ लोगों ने पंप हाउस का ताला तोड़ने के लिए कोशिश की। वहीं आसपास के रहवासियों ने जब उनसे पूछा कि ताला क्यों तोड़ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि पंप ऑपरेटर ने बोला है कि मैं बहुत दूर रहता हूं और पानी नहीं चालू कर पाऊंगा, इसलिए तुम ताला तोड़ के मोटर चला लो। इसके बाद सुबह पंप ऑपरेटर राहुल सेन मौके पर सुबह जल्दी आया, जिसके बाद उसने पंप हाउस में लगे हुए कटआउट निकाले और लेकर चला गया। वहीं रहवासियों से कह गया कि अब नल नहीं चल पाएंगे क्योंकि मोटर जल गई है। जब रहवासियों ने उससे पूछा कि अगर मोटर जल गई है तो उसे सुधरवाने के लिए किसी को बोल दे, तो उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, जब समय होगा तब सुधरवा दूंगा। वहीं वार्ड पार्षद से शिकायत की गई, तब भी मोटर को कल दुरुस्त नहीं कराया गया। वहीं आज दोबारा वार्ड पार्षद ने पानी का टैंकर मोहल्ले में भेज दिया ताकि पानी की व्यवस्था हो सके। साथ ही वार्ड पार्षद ने मोटर सुधरवाने के लिए एक टीम को भेजा, आज शाम तक पूरा कर पाई। बीते दो दिनों से नथुखेड़ी में रहने वाले लोगों को पानी के लिए संकट झेलना पड़ रहा था। हालांकि मोहल्ले वासियों ने पीएचई विभाग में उक्त ऑपरेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। अब देखना यह होगा कि ऑपरेटर को बदला जाता है या नहीं, या फिर नथुखेड़ी के रहने वाले निवासियों को इसी तरह से पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा। एकीकृत बाल विकास सेवा जिला गुना के तत्वावधान में आज प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कलेक्टर राजेश जैन ने की, जहां उन्होंने पत्रकारों को बताया कि किस तरह से डिजिटल तकनीक से अब सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को जोड़ा जाएगा, जिसके चलते कुपोषण से बच्चों को जल्दी ही राहत मिल जाएगी। वहीं प्रसूता महिलाओं की हर समस्या को इसमें ध्यान रखा जाएगा। इस पूरे आंगनवाड़ी केंद्रों का डाटा डिजिटली संग्रहित होकर सर्वर पर जाएगा, जिससे मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकेगी। जिला कलेक्टर ने यह भी बताया कि सिर्फ पोषक आहार लेने से ही कुपोषण नहीं जाता, बल्कि इसके लिए कई तरह की और विषमताएं भी दोषी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि छोटे छोटे उपाय करके भी कुपोषण का अंत किया जा सकता है, जो कि ज्यादा महंगे भी नहीं है। जैसे कि सब्जी मंडी में मिलने वाली कई सब्जियों में आयरन की मात्रा भरपूर होती है, जिसके उपयोग से भी कुपोषण पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं बाल विकास अधिकारियों द्वारा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया गया कि किस तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल करेंगे और किस तरह से अपना डाटा संग्रहित किया जाएगा। बहुत सारी चीजों में माँ अपना गर्भावस्था के समय देखभाल ठीक से नहीं, तो उसकी देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए सीधे सीधे मॉनिटरी फंड, दो तरह के तीन तरह के मॉनिटरी फंड दिए जाते हैं। एक गर्भावस्था जन्म देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च किया था, हो गया वो सब बाकी, और उसमें 38 जिले मध्य प्रदेश के भी शामिल हैं और उसमें गुना जिला भी शामिल है। इसका सबसे प्रमुख आयरन हो, विटामिन हो, फॉलिक हो, या जो भी न्यूट्रिशियंस आवश्यक हैं बच्चे के विकास के लिए, वो नहीं मिलेंगे तो निश्चित रूप से माना के बच्चा कम वजन का। रंगड़ा निवासी दो बालिकाओं का आज हनुमान चौराहे पर जेसीबी ने मार दी टक्कर, जिससे बालिकाओं को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बता दें कि रंगड़ा निवासी दोनों बालिकाएं अपने परीक्षा देकर अपने गांव वापस लौट रही थी, तभी एक तेज गति में आ रहे अनियंत्रित जेसीबी से उनकी टक्कर हो गई, जिसके चलते दोनों बहनों को काफी चोटें आईं, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत ही जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा सके। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की शिनाख्त शुरू कर दी है। वहीं शाम के समय में उन दोनों बालिकाओं को एक निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। बेटा पेपर दे के आया आपका आ रहा है क्या बेटा? बहन का नाम क्या? कौन से गांव जा रहे हैं? बंदर सदरवा बंदर। कौन से गांव जा रहे हैं? रंगड़ा। कौन कौन थे आप?
कौन सा नाम है और भाई क्या हो गया पेपर कहाँ था पेपर कौन से स्कूल में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर अपने अनिश्चितकालीन धरने पर आज भी जारी रहे। वहीं अपने धरने के 9वें दिन इन्होंने सरकार से सिर्फ दो ही मांगे मानी। इनकी प्रमुख मांगे हैं कि वेतन में आ रही विसंगतियों को दूर किया जाए, साथ ही संविदा में भर्ती की गई सभी कार्यकर्ताओं को भी नियमित किया जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी मांगे कब तक मानती है या इन्हें खुद ही अपना धरना खत्म करना पड़ेगा। हमारी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल 7/3/2018 से चल रही है। इसके बाद हमने ना 4 दिन के लिए हड़ताल में स्वतंत्रता बरती, पल्स पोलियो करवाया मानवित को देखते हुए। इसके बाद हमने दोबारा 14 तारीख से हमारी ये हड़ताल हमने पुनः जारी कर दी है। जब तक शासन हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हमारी ये हड़ताल जारी है। छब्बीस दिनों से अनवरत चली आ रही संविदा कर्मियों की हड़ताल आज भी जारी रही। हालांकि इन सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए नोटिस भी दिया जा चुका है, उसके बाद भी इनकी हड़ताल बदस्तूर जारी है। वहीं आज 26वें दिन सभी संविदा कर्मियों ने अपने पैम्पलेट के माध्यम से आम लोगों को अपनी व्यथा सुनाई। इस पैम्पलेट में इनको किस तरह से शोषित किया गया है इसकी पूरी कहानी लिखी गई। साथ ही जितने भी लोग वहां से निकल रहे थे उनको ये पैम्पलेट बांटे गए। ऐसा करने का उनका उद्देश्य यह था कि मुख्यमंत्री उनकी मांगे तो मान नहीं रहे, हो सकता है जनमानस की मांग जल्दी मांग लें। आज हमारी हड़ताल का 26वां दिन है और आज हम लोगों ने जनमानस से अपील स्वरूप ये पत्र बांटे हैं, जिसमें हमने अपने संविदा शोषण की कहानी लिखी है और अपनी नियमितीकरण की मांग को पुरजोर तरीके से जनमानस के सहयोग से, सामाजिक संगठनों के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया। शिक्षा पाने के अपने अधिकार को लेकर आज विधि कॉलेज के छात्र छात्राएं जिला कलेक्टर राजेश जैन के समक्ष पहुंचे। वहीं उन्होंने राजेश जैन को ज्ञापन भी सौंपा। छात्र छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक आए दिन हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके चलते विधि संकाय में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वहीं इन सभी छात्र छात्राओं का भविष्य बिगड़ने की कगार पर आ गया है। अपने ज्ञापन में इन छात्र छात्राओं ने मांग की है कि विधि संकाय के प्रोफेसरों को हड़ताल पर जाने से रोका जाए, या अगर वो हड़ताल पर जाते हैं तो उनकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जिससे उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रह सके। अपने लॉ महाविद्यालय में फैकल्टी क्या है ना, नियमित रूप से आ नहीं पा रही है। कभी कभी वो हड़ताल पे चले जाते हैं जिससे छात्रों को बहुत समस्या आ रही है, क्लास नियमित रूप से नहीं लग पा रही है। क्या इससे जिस तरीके से हम पढ़ने का चाह रहे हैं, हमारा राइट, हमारे अधिकार है हमें शिक्षा मिले प्रॉपर, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम फीस जमा कर रहे हैं उसके बाद भी हमें सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस विषय में हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। जिला पंचायत द्वारा आयोजित किया गया खंड स्तरीय अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन के मौके पर जिला कलेक्टर राजेश जैन, विधायक पन्नालाल शाक्य, जनपद सीईओ, जनपद अध्यक्ष अर्चना बल्लू चौहान आदि जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यहाँ ये देखने में आया कि तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी अंत्योदय मेले में लोग नहीं पहुंच सके। वहीं अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर भी कम ही लोग देखने को मिले, साथ ही पीछे रखी कुर्सियां भी खाली दिखाई पड़ रही थी। हालांकि आयोजकों ने मंचासीन अतिथियों के लिए कूलर की व्यवस्था की थी ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, लेकिन आम जनमानस के लिए वे व्यवस्था करना भूल गए, जिससे लोग अपने हाथों से ही पंखा हिलाकर
गर्मी को दूर भगाते नजर आए। वहीं कलेक्टर राजेश जैन ने अपने उद्बोधन में स्वच्छता पर जोर डाला, साथ ही कहा कि जिन घरों में शौचालय नहीं है वे शौचालयों को जल्द बनवाएं और जिन घरों में शौचालय है वे उनका प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पोलियो होने का एकमात्र कारण अस्वच्छित वातावरण है। इस मौके पर विशिष्ट जनों को ट्राईसाइकिल एवं छात्र छात्राओं को साइकिलों का भी वितरण किया गया था। जिला पंचायत से सारे ग्राम पंचायतों को, जनपदों को, सभी विभागों को इसके फॉर्मेट भेजे जा चुके हैं, तो इन फॉर्मेट्स को आप लोग देख लें। और ये हमें प्रशासन से क्या मदद लेनी है, माननीय विधायक जी बैठे हैं, यदि हमें और आवश्यकता होगी तो हम भोपाल स्तर पर माननीय विधायक जी के माध्यम से बात करके और आवंटन सभी विकास खंडों में लगाए जा रहे हैं। अंत्योदय का उद्देश्य है समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, और जब तक समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उदय नहीं होता, उसको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता, तब तक विकास की परिकल्पना अधूरी रहती है। इन अंत्योदय मेलों को लगाने का उद्देश्य यही है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति आदिवासी है, जो व्यक्ति हरिजन है, जो व्यक्ति पिछड़ा वर्ग का है, या जो समाज के कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, उस तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे। शासन द्वारा सभी विभागों की विभिन्न योजनाएं हैं, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसकी योजनाएं ना हो, और हर व्यक्ति को उन योजनाओं में लाभ लेने की पात्रता है। समय समय पर शासन द्वारा, ग्राम पंचायतों द्वारा, जनपद पंचायतों द्वारा, जिला पंचायत द्वारा हर योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जाता है। हम चाहेंगे कि गांव-गांव में जलाभिषेक अभियान हो, जो भी पुराने तालाब हैं उनकी मरम्मत हो, उनका जीर्णोद्धार हो, नए तालाब जहां साइड उपलब्ध है वहां पर नए तालाब बनाए जाए, जागरूक किया जाए, ताकि देखिए पानी की कमी भविष्य में भी रहने वाली है और जरूरी है कि हम जल संवर्धन करें। और अगर पानी थाना क्षेत्र में सूने घर में चोरों ने एक गृहस्थी का सामान पर हाथ साफ कर लिया। बता दें कि टेकरी रोड पर रहने वाले विजय सिंह यादव के सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। वहीं उनकी गृहस्थी का सामान, उसके साथ में एक कंप्यूटर और सोने चांदी के जेवरात भी चोर लेकर फरार हो गए हैं। मकान मालिक की माने तो चोरी करीब 1 लाख से ऊपर की है। बता दें कि इस मकान में कोई भी नहीं रहता था, मकान मालिक गांव गया हुआ था। के बाद चोरी की शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह डाल दाम हम सब ठीक है ना, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। ला अकेली जीती बैठी है, जीती मंदा था भी वो नहीं पता। यहाँ पे तो कोई था नहीं, तो मैं क्या रहता हूँ सोने का, तो ये सामान वगैरह सब चला गया। तो कब ये चोरी हुई है? ये रात को ही है, नाइट को। क्या क्या सामान चला गया इसमें? चला गया अपना टीवी, चला गया एलसीडी, चली गई कंप्यूटर। हाँ। चला गया तो करीबन कितने का माल चला गया? 1 लाख समथिंग के ऊपर हुआ, टीवी वगैरह सब 1 लाख समथिंग मान लो, टीवी वगैरह सारा सामान चला गया। कोई रकम वकम तो नहीं? रकम तो चेन दे दी, चेन वगैरह। आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन अब और भी होगा उग्र। आशा उषा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन नगरपालिका परिषद के गेट के समीप चल रहा है। वहीं आशा उषा कार्यकर्ताओं के जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि कल जो रैली निकालने वाले हैं वह एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होगा, जिससे हम सरकार को बता देंगे कि हम कमजोर नहीं है। साथ ही आशा उषा कार्यकर्ताओं का उग्र रूप देखने को भी मिलेगा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें हर काम में उपयोग में लिया जाता है। बता दें कि 2007 से शासन के हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ये आशा उषा कार्यकर्ताओं को केवल प्रोत्साहन राशि ही मिलती है। दावा है कि कल होने वाले प्रदर्शन में ये दिखा देंगे कि आशा उषा कार्यकर्ता भी किसी से कम नहीं है। जा सात से
आशा कार्यकर्ताएं लगातार अपनी सेवाएं शासन को दे रही है, लेकिन इसके लिए सिर्फ प्रोत्साहन राशि देती है शासन। तो हम शासन के लिए इसीलिए झंडे गाड़ कर बैठे कि कल हम अपना रोष पूरी तरीके से दिखा देंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और हमारा मानदेय करा कर रहेंगे। अभी विधानसभा भी चल रही है, हम विधानसभा का सभा का भी घेराव करेंगे। कल कलेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री को हमारा ज्ञापन देना है, जिसमें हमने हमारी मांगों को लेकर रखा है कि हमारा मानदेय फिक्स किया जाए और आशाओं को सद्व्यवहार की दृष्टि से भी देखा जाए। क्योंकि अभी क्या होता है कि आशाएं जा रही है, रात दे रात भी जा रही है, लेकिन उनके साथ अभद्रता का व्यवहार भी हो रही है होता है, जिससे कि आशाएं काफ़ी टाइम से परेशान भी हो रही है। तो हमने जो मुद्दा उठाया उस मुद्दे को लेकर हम आगे तक की लड़ाई लड़ेंगे और कल हमारा जो रैली का आयोजन है उस रैली में हम दिखा देंगे कि हम भी एक शक्ति हैं। अपने सुहाग की लंबी आयु एवं सौभाग्य की रक्षा करने के लिए महिलाओं ने किया गणगौर माता का पूजन। यह पूजन होली से शुरू होकर नवरात्रि तक चलता है, जिसमें महिलाएं अपने सुहाग की कामना करती हैं। इस पूजन में छोटे छोटे बच्चियों से लेकर सुहागन महिलाएं सभी अपना भरपूर योगदान देती हैं। वहीं भजन कीर्तन के साथ यह कार्यक्रम कई मंदिरों में देखा जा सकता है। हम सभी लोग महिलाएं और बच्चियां गणगौर की पूजा करती हैं, जो होली वाले दिन से शुरू होता है और नवरात्रि के तृतीया तक चलता है। जब बड़ी गणगौर होती है तब सब पूजा करते हैं। सुहाग का व्रत होता है, हम 16 दिन के लिए ये पूजा करती हैं और इससे सबको गणगौर माता सुहाग की आशीष देती हैं। ये हमारे हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी पूजा है और इससे सभी महिलाओं को सुख और सुहाग मिलता है। ग्राम पंचायत देहरी में शौचालय निर्माण के लिए व उपयोग के लिए ग्रामीणों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर ग्रामीणों को सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। उक्त कार्य जनपद सीईओ सौरभ सिंह कुशवा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद भी बमोरी जनपद पंचायत में आज तक केवल 14 ग्राम पंचायत ही ऐसी है जिनका ODF हो पाया है। पंचायत में प्रतिदिन प्रेरकों की टीम के साथ खुद मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोगों को इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि किस तरह से ग्रामीणों को शौचालय का प्रयोग करना है और जिनके पास शौचालय नहीं है उनको कैसे शौचालय बनाना है। वहीं यहाँ यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से बाहर शौच के लिए जाते हैं तो किस तरह की बीमारियां उन्हें घेर सकती है। और तुम्हें बताऊं, जब वो गड्ढा भर जाएगा तो उसको बंद कर दो, दूसरा चालू कर दो, पाइप डाल कर इसको 6 महीने बंद रखो। 6 महीने में इसमें बन जाता है खाद, कौन सा? काला सोना खाद, जिंक खाद, जो तुम पैकेट में ला रहे हो ना 1200 रुपये खाद, काला वाला, वो कोई और खाद नहीं है, जी खाद। कैंप चल रहा है स्वच्छता के लिए जी, तो वो अभी डेयरी गांव में चल रहा है। इससे पहले ये मगरूड़ा में और कासल में भी हो चुका है। तो गांव वालों को प्रेरित करने के लिए, स्वच्छता के लिए शौचालय निर्माण वगैरह ये सब करवाएं और अन्य भी साफ सफाई। इसमें किन किन लोगों की टीम काम कर रही है? इसमें कुछ प्रेरक जो मतलब अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे हैं प्रेरक, और कुछ अपने जो CRP हैं इसके SRLM के वो कर रहे हैं। कितने दिनों तक चलेगा ये कैंप? हम 3-3 दिन का कैंप करते हैं किसी ग्राम पंचायत में जहाँ ज़्यादा शौचालय निर्माण होना है ज़्यादा वगैरह है। और फिर ये प्रेरक अपने अपने गांव में एक एक दो दो प्रेरक हैं, तो ये सवेरे शाम मॉर्निंग इवनिंग फॉलोअप करते हैं और सर्वे वगैरह करके कि शौचालय की क्या स्थिति है, निर्माण की क्या स्थिति है, चालू है कि नहीं है, बंद कौन से हैं, चालू कौन से हैं, अगर चालू नहीं है तो उन्हें चालू करवाने का प्रयास करते हैं। बमोरी जनपद में अभी तक कितनी ग्राम पंचायत ODF हो चुकी हैं? बमोरी जनपद में एक्चुअली 14 ग्राम पंचायतें ODF हैं। और कितनी हो सकती है अभी कुछ दिनों में? अभी कुछ दिनों में ये अपने पास अब कुछ ना जो पात्रता सूची वाले हैं जिन्हें पैसे मिलने हैं वो लगभग 15 अप्रैल तक अपना पूरा हो जाएगा।
और जो इसके अलावा जो APL अदर्स की रह जाएगी तो नरेगा वगैरह से कुछ करने का प्रयास किया जाएगा, तो हम ये मई तक आवश्यक रूप से इसको ODF कर देंगे। बमोरी से हमारे सहयोगी अनवर खान की रिपोर्ट। बीनागंज में साहू समाज द्वारा कर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें समाज के सभी परिवारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भोजन प्रसादी के बाद परंपरा अनुसार कस्बे में साहू समाज द्वारा एक चल समारोह भी निकाला गया। वहीं शोभा यात्रा में समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे सहयोगी आरके शर्मा की रिपोर्ट। विजयनगर में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।